आम लोगों की बहुत बड़े अपेक्षा थी इस बजट से कि उनको राहत मिलेगा। पिछले 2 साल की महामारी से पीड़ित, आर्थिक मंदी से पीड़ित, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, गरीबी और भूखमरी देश के अंदर बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है, ऐसी हालत में राहत जो चाहते थे लोग, उल्टा ये बजट ने क्या किया, उनके ऊपर जितना भी उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी या पहले मिल रही थी वो भी घटा दी। जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, मनरेगा के लिए जो भी जो राशि देना था उसको बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, शहरों में आप रोजगार गारंटी का स्कीम लगाना था वो नहीं हुआ, आपके पेट्रोल पे, खाने पे और आपके फर्टिलाइजर पे, खाद पे जो सब्सिडी है उसको घटा दी। और जबकि हमारे देश के अंदर इसी 2 साल में जो हमारे देश के खरबपति है उनकी आमदनी और संपत्ति बढ़ी है, जब गरीब और गरीब होता जा रहा है, 10% लोग हमारे देश के अंदर अमीर लोग, उनके हाथ में 65% हमारे देश की संपत्ति है, उनके ऊपर टैक्स डालकर वो पैसे जुगाड़ करके राहत देने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो नहीं। यानी ये जन विरोधी और अपने कॉरपोरेट दोस्तों के उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मुनाफे बढ़ाने के लिए ये बजट भी उसी रास्ते पे चल रही है। इसकी घोर आपत्ति आम लोग जता रहे हैं, और राज्यों के लिए भी जो उनको राशि जो मिलनी चाहिए थी उसके अंदर भी कमौती, सरकारी खर्चा जब बढ़ना चाहिए था उसके अंदर कमौती कर रहे हो, और ये कहते हुए बहुत बहुत बड़े बड़े ये लगा रहे हो कि हमने ये उपलब्ध कर लिया, वो हासिल कर ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दी। अरे कर्जा जो था आपका एयर इंडिया का वो वापस दिया, तो इसलिए उसको बढ़ाने के आंकड़े दिखा रहे हो आप। राफेल की हवाई जहाज खरीदी आप और उसको जो है आप दिखा रहे हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अरे इस तरीके की बातें कह के गुमराह करने की कोशिश जो हो रही है वो चल नहीं पाएगी। इसका विरोध होगा और ये जन विरोधी बजट का विरोध करना है।